हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस क्लास असाइनमेंट। आज हम लोग नाउन के क्लास असाइनमेंट को कर रहे हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, हम लोग शुरू करते हैं अपने असाइनमेंट को। एंड नाउ सी, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। पहले डायरेक्शन पढ़ लो, क्या कह रहा है डायरेक्शन में, कि जिस पार्ट में भी एरर होगा उस पार्ट को आपको टिक करना है, मतलब वही पार्ट आपका जो है वो एरर वाला पार्ट है और वही पार्ट आपका आंसर है, ठीक है। तो चलें देखें। रेवरेंस फॉर लाइफ इज वन ऑफ द मेन प्रिंसिपल ऑफ क्रिश्चियन टीचिंग। रेवरेंस फॉर लाइफ इज वन ऑफ द मेन प्रिंसिपल ऑफ क्रिश्चियन टीचिंग, ठीक है। अभी इसमें एरर ढूंढना है हम लोगों को, और सबसे पहले जो दिख रहा है वो ये है। आप यहां देखें पहले, व्हाट इज दिस, वन ऑफ है ना, और वन ऑफ के बाद ये जो वर्ड है, ये जो नाउन है वो प्रिंसिपल है, ठीक है। वन ऑफ का मतलब ही क्या हो गया, मतलब एक से ज्यादा है उनमें से एक, एक से ज्यादा है और उनमें से एक। तो यहां पे प्रिंसिपल की जगह पे क्या होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, प्रिंसिपल्स होना चाहिए था, ठीक है। तो मतलब ये कि इस पार्ट में एरर है आपका, इसका आंसर होगा 3। अब यहां तो आपने वन ऑफ देख लिया, बट इट्स नॉट जस्ट वन ऑफ, ठीक है। ऐसे बहुत सारे और भी वर्ड्स हैं जिसमें कि ये प्रॉब्लम्स इस तरह के आते हैं नाउन में, ठीक है। जैसे कि वन ऑफ में आपने देखा, वन ऑफ के बाद अगर मैं बात करूं, वन ऑफ द, इसके बाद जो यहां नाउन आएगा वो नाउन क्या होगा, वो नाउन होगा प्लूरल नाउन, ठीक है। ना सिर्फ वन ऑफ, और भी मैं वैसे बहुत सारे वर्ड्स आपको, मतलब ऐसे बहुत सारे दिखाता हूं मैं, जैसे कि ईच ऑफ द, ठीक है, ईच ऑफ द, आइदर ऑफ द, आइदर ऑफ द, मतलब आप इन सबको भी ध्यान में रखेंगे। इट्स नॉट जस्ट वन ऑफ द, ठीक है ना, ईच ऑफ द, आइदर ऑफ द, नाइदर ऑफ द, ठीक है, इसके बाद भी, नाइदर ऑफ द, इन सब के बाद भी अगर कोई वर्ड आता है, या फिर अगर मैं आगे देखूं, नन ऑफ द, देख रहे हैं आप, नन ऑफ द, या फिर एनी ऑफ द, एनी ऑफ द, ठीक है, सम ऑफ द, इन सारे जो हमने ये चंक ऑफ वर्ड्स लिए हैं, इसके बाद आने वाला जो नाउन होता है वो ऑलवेज क्या होता है, प्लूरल होता है, ठीक है। इसके बाद आने वाला जो नाउन होता है वो क्या होता है, प्लूरल होता है, ठीक है। अब आगे हम लोग को कुछ और भी देखना है, क्योंकि ये पहला ही क्वेश्चन है, और पहला ही क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मिल गया है, मतलब ये जो वन ऑफ द मेन प्रिंसिपल कुछ ऐसा लिखा हुआ था उसमें। अब आगे देखो, तुम थोड़ा सा इस बात को ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। यहां पे मैंने लिखा मोस्ट ऑफ द, ठीक है, एक क्या है वर्ड, ये मोस्ट ऑफ द, और दूसरा वर्ड है आपका ऑल ऑफ द, ठीक है, ऑल ऑफ द, ये देखते रहिए आप यहां पे, मोस्ट ऑफ द, ऑल ऑफ द। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, कभी कभी आपने सुना होगा हम लोग ऐसे लिखते हैं, वन थर्ड, है ना, या फिर टू थर्ड्स, टू थर्ड्स, ऐसे भी वर्ड्स होते हैं, ठीक है। अब ये देखो, मोस्ट ऑफ द, ऑल ऑफ द, वन थर्ड ऑफ द, टू थर्ड्स ऑफ द, इस तरह से अगर सेंटेंस में वर्ड्स हो तो इसके बाद भी, ठीक है। तो पहले हम लोग इसको देखें, इसके बाद जितने भी ये सारे जो वर्ड्स हैं, इसके बाद आने वाले जो नाउन को हम लोग क्या रखेंगे, ऑलवेज इस नाउन को हमेशा क्या रखेंगे हम लोग, प्लूरल रखेंगे, ठीक है, ये प्लूरल होगा। इसके बाद इसको देखो, यहां भी इसके बाद आने वाले जो नाउन्स होंगे वो क्या होंगे, वो नाउन सारा प्लूरल होगा, ठीक है,
प्लूरल होगा, बट यहां थोड़ा कैच है, इस चीज को देखना। इसमें थोड़ा सा कैच ये है कि इन सब वर्ड्स के साथ में, जैसे मोस्ट ऑफ द हो गया, ऑल ऑफ द हो गया, वन थर्ड ऑफ द हो गया, या फिर टू थर्ड्स ऑफ द हो गया, इसके बाद में हम लोग दो चीजें यूज कर सकते हैं, ठीक है, दो चीजें यूज कर सकते हैं। वो क्या क्या, अगर नाउन है ना अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल मींस जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं, अगर ये नाउन अनकाउंटेबल है तो क्या करेंगे इसके साथ में हम लोग, इसके साथ में ये जो नाउन अनकाउंटेबल है तो ये सिंगुलर होगा, ठीक है, अगर नाउन अनकाउंटेबल है तो ये सिंगुलर होगा, और यही अगर अगर काउंटेबल है, सॉरी अगर यही काउंटेबल है तो ये प्लूरल होगा, ठीक है, अगर ये काउंटेबल है तो प्लूरल होगा। ये समझ में आ रहा है, मतलब ये इतने सारे जो वर्ड्स हमने यहां पे देखे इसमें यही सारी चीजें हैं, इसको ध्यान देके समझिएगा, बिकॉज यू नो एक आपने वन ऑफ द मेन प्रिंसिपल्स जो सेंटेंस था उसको देखा और उसके साथ साथ आपने इन सारे वर्ड्स को भी सीखा, ठीक है, तो इस पे ध्यान रखिएगा, आगे इस तरह के क्वेश्चन अगर आते हैं तो उसको सही करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई सॉ अ गर्ल इन अ फ्लावर्ड स्कर्ट एंड ब्लैक स्टॉकिंग। नाउ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को थोड़ा देखो, इसमें क्या एरर है, इस वर्ड को देख रहे हो तुम लोग, ये जो वर्ड है स्टॉकिंग, इसका मतलब क्या हुआ, वो जो लॉन्ग सॉक्स होते हैं ना जो लड़कियां पहनती हैं, ठीक है ना, मेड अप ऑफ थिन लाइन नाइलॉन और लाइक्रा बेस्ड या कुछ भी इस तरह का, ठीक है, ये एक लॉन्ग सॉक्स होता है जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं, स्टॉकिंग कहते हैं, ठीक है। यहां पे इस सेंस में जो एक्चुअल सेंस है, मतलब इस सेंटेंस में जो एक्चुअल सेंस है वो ये है कि इस स्टॉकिंग्स को क्या होना चाहिए था, इस स्टॉकिंग को होना चाहिए था स्टॉकिंग्स, बिकॉज एक चीज समझो, नॉर्मली हम लोग देखते हैं ना सॉक्स बोलते हैं तो मतलब वो मोजे होते हैं ना, एक मोजा सॉक बोलता है क्या कोई, नहीं ना, वैसे ही ये स्टॉकिंग्स जो होता है ना वो पैर जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टॉकिंग्स कहते हैं, ठीक है। हालांकि आज कई जगहों पर स्टॉकिंग का भी यूज होता है, मैं बता दूं कई जगह पे, तुम देखोगे कभी गूगल भी सर्च करके देख लेना आप, स्टॉकिंग भी बहुत जगह आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, बट द एक्चुअल थिंग जहां पे हम लोग रह रहे हैं हम लोग को पता है ये, हम लोग जो ब्रिटिश इंग्लिश फॉलो करते हैं उसमें इसको स्टॉकिंग्स ही बोलते हैं, ठीक है, स्टॉकिंग्स। अब इसमें तो ये एरर आ गया, स्टॉकिंग्स यहां पे स्टॉकिंग नहीं होगा, क्या हो जाएगा, स्टॉकिंग्स हो जाएगा। लेकिन एक चीज और भी ध्यान देना, जैसे हम लोग यूज करते हैं ना सॉक्स के लिए कि अ पेयर ऑफ सॉक्स, अ पेयर ऑफ शूज, ऐसे स्टॉकिंग्स के पहले हम लोग ये वर्ड इस्तेमाल नहीं करते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। तो कभी ऐसे वर्ड्स अगर आ जाते हैं, अगर इस तरह का कोई एरर आता है आपके पास में तो ध्यान रखेंगे इसका, ठीक है ना, अ पेयर ऑफ स्टॉकिंग्स को हम लोग यूज नहीं करते हैं, ठीक है, सिर्फ स्टॉकिंग्स ध्यान ये रखना है, सिर्फ स्टॉकिंग्स, ठीक है। तो यहां पे थर्ड वाले पार्ट में एरर था और यही आपका आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, अ गैंग ऑफ कस्टमर्स वेटेड फॉर द स्टोर टू ओपन। सी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बट इसमें सबसे पहले ही आपको दिख रहा होगा ये कस्टमर का गैंग होता है क्या, और ये भी देखो सेंस समझो इसका, पहले सेंस समझो। हम यहां पे ना एक, मेरे को यहां पे कस्टमर्स के लिए एक जो उनका झुंड, उनका एक ग्रुप दिखाना है, उसके लिए यहां पे बहुत सारे ऐसे वर्ड्स यूज किए जा सकते हैं, फ्लॉक ऑफ कस्टमर्स भी कह सकते हैं, स्वार्म ऑफ कस्टमर्स भी कह सकते हैं, है ना, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स यहां पे यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इस सेंटेंस के सेंस को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अ गैंग ऑफ कस्टमर्स वेटेड फॉर द स्टोर टू ओपन, मतलब स्टोर अभी खुला नहीं है, स्टोर इज क्लोज्ड एंड दे आर वेटिंग, यू नो, और अगर वो वेट कर रहे हैं तो दे आर नॉट स्वार्मिंग। अगर वो स्वार्म नहीं करे तो मैम ऐसे नहीं कह सकते हम लोग, स्वार्म ऑफ कस्टमर्स नहीं कह सकते हैं, या फिर नॉर्मली स्वार्म नहीं कह सकते हम लोग उसको, तो अभी क्या करेंगे इसको, वो चूंकि एक एक ग्रुप है जो कि इकट्ठा है, ठीक है,
वहां पे इकट्ठा है और वो वेट कर रहा है। तो वैसे ग्रुप को जो वहां पे इकट्ठा है और वेट कर रहा है, इसके लिए जो सबसे बेहतर जो ग्रुप वाला वर्ड होगा वो क्या होगा, सिंपली ध्यान दीजिएगा इसको, ब्लॉक। ठीक है, तो अ ब्लॉक ऑफ कस्टमर्स वेटेड फॉर द स्टोर टू ओपन। ठीक है, तो इसका पहले पार्ट में ही एरर था और यही आपका आंसर है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, हिज टू ब्रदर्स रंजन एंड राकेश आर एलमनस ऑफ डॉन बॉस्को'स एकेडमी। आई एम श्योर नाउन अगर आप लोगों ने पढ़ लिया है तो नंबर्स के बारे में आप लोग जान गए होंगे, और नंबर्स के बारे में अगर आप लोग जान गए हैं तो ये पता होगा आपको कि एलमनस जो है ये एक वर्ड है जो कि सिंगुलर है। ठीक है, और यहां बात किसकी हो रही है, टू ब्रदर्स की बात हो रही है। ठीक है, और इसका जो प्लूरल होता है वो क्या होता है, इसका प्लूरल क्या होता है, यहां पे एक प्लूरल वर्ड की जरूरत है और वो वर्ड है व्हाट, वो वर्ड क्या है, अलमनाई है ना, वो वर्ड है अलमनाई। यहां पे इस तरह से इसको ये कहते हैं। अब एक चीज इसमें और समझने वाली बात है, ऐसे बहुत सारे फॉरेन वर्ड्स हैं जो इंग्लिश में ना आए हुए हैं। ठीक है, मतलब इंग्लिश ने बहुत सारे फॉरेन वर्ड्स को भी अडॉप्ट किया है और ये जो वर्ड है उन्हीं में से एक है। ठीक है, तो ऐसे फॉरेन वर्ड्स बहुत सारे हैं जिनके लास्ट में ये ध्यान रखना तुम लोग कि ये जो यूएस दिख रहा है लास्ट में, ये जो यूएस दिख रहा है, अगर ऐसे फॉरेन वर्ड्स जिसके लास्ट में यूएस नजर आ रहा हो, उस वर्ड का जो लास्ट, जो सेकेंड लास्ट और लास्ट जो लेटर है ना वो यूएस अगर है, तो उसको हम लोग यूएस को कहां चेंज कर देते हैं, किस चीज में चेंज कर देते हैं, आई में चेंज कर देते हैं। ठीक है, इसको कहां चेंज कर देते हैं, आई में चेंज। क्यों चेंज करते हैं, इसका प्लूरल बनाने के लिए। ठीक है, अगर इसको हम लोग प्लूरल सेंस में इस्तेमाल करना होगा तो हम लोग इसको आई में बदलते हैं। जैसे कि आपको मैं कुछ और वर्ड्स दिखा दूं, यहां पे फंगस है ना, देख रहे हो फंगस, क्या कहते हैं इसको हम लोग, फंगाई है ना, क्या कहते हैं हम लोग इसको, फंगाई कहते हैं, कहते हैं ना फंगाई। और कुछ वर्ड बताओ, बताओ बताओ, कैक्टस है ना, और कोई वर्ड, रेडियस, रेडियस, और ये कैक्टस क्या हो गया भाई, कैक्टाई, रेडियस क्या हो गया, रेडियाई। देखना यहां पे ध्यान देना इस चीज को, यहां पे डबल आई, आई दो बार ही आया हुआ है। ठीक है, टर्मिनस, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं, व्हाट, टर्मिनस, और कोई वर्ड बताओ, सिलेबस है ना, जिसको आप लोग कवर करना है, कवर करते हैं भाई, सिलेबस। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं, उन्हीं वर्ड्स में से एक ये भी है एलमनस, आपने इसके साथ साथ और भी बहुत सारे वर्ड्स को जान लिया। ठीक है ना, स्टिमुलस, कहाँ लिखूं, यहां लिखता हूं, ठीक है ध्यान देना, स्टिमुलस, या फिर और कोई वर्ड बताओ, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, देख रहे हो, तो स्टिमुलस इज स्टिमुलाई, न्यूक्लियस इज न्यूक्लियाई, टर्मिनस इज टर्मिनाई, सिलेबस इज सिलेबाई। ठीक है, ये सबके लास्ट वाला जो यूएस है ये सारे हटते जाएंगे यहां से, यहां से, सारे जगह से, ये सब हटेंगे और इसकी जगह पे क्या यूज हो जाएगा, क्या यूज होगा, आई का यूज होगा। ठीक है, गॉट इट, सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, चलते हैं, चलो देखो, द थीम ऑफ दिस बुक रफली इज दैट पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ द पॉसिबल। द थीम ऑफ दिस बुक रफली इज दैट पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ द पॉसिबल, है ना। अब यहां पे देखो, इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, ठीक है, तो अभी इस पे बहुत ज्यादा डिस्कशन हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है, आगे इस तरह के क्वेश्चंस और आएंगे जिसमें कि कुछ एरर होंगी तो मैं इससे रिलेट करके चीजों को आपको बता दूंगा। ठीक है, इस पार्ट, इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, ठीक है, नो एरर का क्वेश्चन है, नो एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिक्स नंबर, दिस इज वन ऑफ दोज नॉवेल दैट डील विद द जनरेशन गैप।
फोर्थ पार्ट है नो एरर, ठीक है। तो अब देखें आप, अगेन जो पहला क्वेश्चन को हम लोगों ने डील किया था, याद आ रहा है, वन ऑफ दोज नॉवेल, अगर वन ऑफ है तो इसका मतलब ही क्या हो गया, एक से ज्यादा है वो, है ना। ये नॉवेल एक से ज्यादा होगा तभी तो उसमें से एक की जिक्र के बात बारे में बात हो रही है ना, एक का जिक्र हो रहा है, इसलिए यहां पे वन ऑफ दोज के बाद ये जो लिखा हुआ है वर्ड नाउन जो है वो नॉवेल, वो नॉवेल्स हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, नॉवेल्स हो जाएगा। ऑलराइट, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखें हम लोग, इसमें कहीं कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए आप लोगों को, ये सब समझ में आना चाहिए, ठीक है। और आगे देखें, सेवेंथ वन, द ऑडियंस ऑफन फेल टू अप्रिशिएट द अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड फॉर अ कॉन्सीट। आई थिंक एक तो यहां पे ना इसको हम लोग आर में बदल लेते हैं, कंसल्ट होगा, ठीक है। सुधार कर लीजिएगा आप लोग भी अगर आपके बुक में होगा ये, तो रिक्वायर्ड फॉर अ कंसल्ट सबसे बड़ी। अब देखते हैं हम लोग इसमें क्या कोई एरर है या नहीं, है ना, क्या एरर हो सकता है। देखो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनको कि हम लोग कंसिडर करते हैं ऐसे, जैसे कि ये एक वर्ड है ऑडियंस, ठीक है। ऐसे ही एक और भी वर्ड है टीम, इनफैक्ट फैमिली, है ना। ऐसे बहुत सारे और भी वर्ड्स हैं जिनको कि हम लोग आइदर प्लूरल और सिंगुलर दोनों सेंटेंस में, उसके सेंटेंस के अंदर में इन दोनों को हम लोग रख सकते हैं, ठीक है। अब ये सेंटेंस पे डिपेंड करता है कि ये किस तरह का सेंटेंस है, ये कहना क्या चाहता है, इसके सेंस को समझ करके हम लोग इसको यूज करते हैं। अब यहां पे ऑडियंस के बारे में जो बात किया गया है, इट इज बेसिकली द सेंटेंस इज टॉकिंग अबाउट अ यूनिट, यू नो, यूनिट एज अ होल, मतलब ऑडियंस के अलग अलग, मतलब मेंबर्स के बारे में बात नहीं हो रही है। अगर ऑडियंस के अलग अलग मेंबर्स के बारे में बात हो रही होती और उसके बाद अगर ऑडियंस को रखा गया होता वहां पे, ऑडियंस को यूज किया गया होता, तो फिर वो प्लूरल सेंस में यूज होता। यहां पे क्या है, ये ऑडियंस सिंगुलर सेंस में यूज किया गया है। अगर ये सिंगुलर सेंस में यूज किया गया है तो ऑडियंस के बाद ये जो वर्ड आया हुआ है, इसका वर्ब, ये जो फेल है ये प्लूरल है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, यहां पे फेल्स करना पड़ेगा, ठीक है। ऑडियंस को क्या करना पड़ेगा, यहां पे फेल्स लिखना पड़ेगा। कहीं कोई इश्यू, देखा आपने, कुछ और भी वर्ड्स मैंने बताया आपको, टीम, फैमिली, जूरी, है ना, पब्लिक, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं। मैं लिख दूं यहां पे और क्या क्या है भाई, जूरी है, पब्लिक है, और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं, मतलब आप लोग एक बार इस पे ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब इसी सेंटेंस को मैं आपको एक और भी चीज दिखाता हूं, यहां पे ऑडियंस कैसे यूज किया गया है, फेल्स के लिए यूज किया गया ना, मतलब इसको इट हैज बीन टेकन एज अ यूनिट, एज अ होल यूनिट, एक, ठीक है ना, ग्रुप के बारे में बात हो रही है। लेकिन अगर यही सेंटेंस ऐसे होता, ठीक है, मैं अगर ये सेंटेंस देखो यहां पे ऐसे होता, इस सेंटेंस को देख रहे हैं, द ऑडियंस आर फाइटिंग अमॉन्ग देमसेल्व्स। अब यहां पे क्या प्रॉब्लम है, समझ में आ रहा है, यहां पे क्या था, फेल्स, यहां पे सिंगुलर के तौर पे यूज किया गया था ना ऑडियंस को, लेकिन यहां पे देखो ऑडियंस की बात एज अ होल नहीं हो रही है। अब कैसे हो रही है, ऑडियंस के बहुत सारे मेंबर्स है ना, एक दूसरे के साथ फाइट करना उन्होंने शुरू कर दिया, ये मतलब फाइट कर रहे हैं, आर फाइटिंग, वो फाइट कर रहे हैं, तो यहां पे ये एज अ होल, एक ग्रुप की बात नहीं हो रही है, ठीक है, अलग अलग मेंबर्स की बात होने लगी। और जब ऐसे यूज किया जाए इसको, तो यहां पे हम लोग क्या यूज करते हैं भाई, प्लूरल का यूज करते हैं, ठीक है, इसको प्लूरल सेंस में यूज करते हैं। So this is what you have to keep in mind. जब आप सेंटेंस देख रहे हो तो उस सेंटेंस के सेंस को समझें, exactly what the sentence is saying, important है, ठीक है। चलो बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे इसमें एरर है कौन सा, पहला नंबर, और यही आपका आंसर है, ठीक है। चलो देखें नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को, द पुलिस ऑफिसर गेव सम एडवाइसेस ऑन क्राइम रिवेंशन। एग्जैक्टली यहां पे
फिर से ध्यान देना, ये क्राइम प्रिवेंशन होगा, पी यहाँ पे रहेगा, ठीक है, ऑन क्राइम प्रिवेंशन एट द कम्युनिटी मीटिंग, ठीक है, एट द कम्युनिटी मीटिंग। अब इसमें क्या एरर है? अच्छा चलो मैं बता ही रहा हूं आपको, यहां पे इस वर्ड को देखो गौर से, एडवाइसेस, इसका मतलब क्या हुआ? एक से ज्यादा सलाह होगा तो हम लोग एडवाइसेस बोलेंगे क्या? एक से ज्यादा सलाह होगा तो एडवाइसेस बोलेंगे नहीं ना। एडवाइस जो है वो क्या है? वो वैसा नाउन है जिसका प्लूरल नहीं हो सकता है, ठीक है, दैट्स नॉट प्लूरलाइज्ड, ये प्लूरल नहीं किया जाता है, ठीक है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होते हैं ना ऐसे, जिनको कि हम लोग प्लूरल नहीं यूज करते हैं। और अगर इनको प्लूरल यूज करेंगे, अगर इनका प्लूरल बना देते हैं ऐसे वर्ड्स में, अगर हम एस या एस लगा देते हैं तो उसका मीनिंग बिल्कुल चेंज हो जाता है, जो एग्जैक्ट मीनिंग होता है वो नहीं होता है। अच्छा एक चीज बताना, एडवाइस का एक्चुअल मीनिंग क्या है? एडवाइस का एक्चुअल मीनिंग क्या है भाई? यही है ना, काउंसिल या सजेशन, है ना, सजेस्ट करना, ठीक है, सलाह देना, यही है ना एग्जैक्ट मीनिंग एडवाइस का। लेकिन जैसे ही ये एडवाइसेस हो गया, जैसे ही ये एडवाइसेस हो गया, फिर ये काउंसिल सजेशन इस तौर पे इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, इसको फिर कैसे इस्तेमाल करेंगे हम लोग? फिर एडवाइसेस का मतलब क्या हुआ? फिर इसका मतलब हुआ इंफॉर्मेशन दैट इज कम्युनिकेटेड, लाइक सूचना, ठीक है, इंफॉर्मेशन दैट इज कम्युनिकेटेड, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेटेड इज कॉल्ड एडवाइसेस। तो क्या यहां पे उसकी बात हो रही है? क्राइम प्रिवेंशन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट किया जा रहा है उस तरह से? नहीं ना, सलाह की बात हो रही है ना, यहाँ पे काउंसिल किया जा रहा है उसकी बात हो रही है, तो नेचुरली ये एडवाइसेज यहां पे यूज नहीं होगा, इसकी जगह पे क्या यूज होगा? एडवाइस यूज होगा, ठीक है, इसमें एस नहीं यूज करेंगे हम लोग। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स और भी हैं, ठीक है, उसको थोड़ा ध्यान देना, पढ़ना उसको फिर से ठीक से, बिकॉज एक बारी दो बारी उससे आपके नजर से गुजर जाएगा, फिर इसको ना डिटेक्ट करने में बड़ी आसानी होगी आप लोगों को, ऐसे एरर को डिटेक्ट करने में बहुत आसानी होगी। अब ये जैसे कि तुम देखो, डैमेज, डैमेज मतलब हो जाना, समझते हो ना, क्षति। लेकिन अगर यही डैमेजेस हो जाए तो क्या होगा? इसका मतलब होता है क्षतिपूर्ति, ठीक है, द कॉम्पेंसेशन फॉर द डैमेज, डैमेजेस का मतलब ये होता है। एयर, अगर एयर की जगह पे एयर्स लिख दिया तो इसका मतलब क्या होता है? घमंड, है ना, एरोगेंस, इसके लिए इसको यूज करने लगते हैं हम लोग, ठीक है ना, एयर को क्या करते हैं, एयर्स को क्या करते हैं हम लोग, ऐसे यूज करना शुरू कर देते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा? अच्छा वर्क, एक और भी वर्ड देख लो, वर्क, अगर वर्क्स लिखा तो जो पोएट होते हैं, जो ड्रामेटिस्ट होते हैं, जो लेखक होते हैं, उनकी रचनाएं, है ना, उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं? वर्क्स बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपने बहुत बारी ना नॉर्मली कहीं बाहर निकलते होगे तो देखा होगा आप लोगों ने कि कहीं लिखा रहता है ना, किसी का नाम पर्टिकुलर लिखा होगा, ये वर्क्स, सम स्टील वर्क्स, है ना, राम स्टील वर्क्स। तो ये जो स्टील वर्क्स है वहां पे वो वर्क्स क्या है? क्या काम के बारे में बात हो रही है? नहीं, उस वर्क्स का मतलब क्या होता है? फैक्ट्री, मतलब ऐसे वर्क्स का मतलब क्या होता है? द क्रिएशंस ऑफ ड्रामेटिस्ट, पोएट्स, ठीक है, या जो ऑथर्स, इसके लिए यूज होता है, और नहीं तो फिर ये फैक्ट्री के लिए यूज होता है, और वर्क का मतलब काम होता है। तो उसको जैसे ही हम लोगों ने एस लगाया, ऐसे प्लूरल करते हम लोग, उसका मीनिंग बदल जाता है ना। सिंपली ऐसे कुछ और भी वर्ड्स हैं, ये तो तुम्हारा, ये जो मैंने वर्ड्स बताए हैं ये सारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब यहां देखो, वुड, नॉर्मल वुड मतलब लकड़ी, लेकिन वुड्स मतलब, वुड्स मतलब जंगल। आयरन, आयरन मतलब नॉर्मल लोहा, बट आयरन्स अगर कर देते हैं तो इसका मतलब हो जाता है बेड़ियां, है ना, फिटर्स, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे और भी वर्ड्स आपको मिलेंगे, थोड़ा सा उनको आप लोग फैमिलियराइज होना शुरू हो जाइए उन वर्ड्स के साथ में, ठीक है। चलो तो इसमें पहले ये देखते हैं कि इस एट्थ क्वेश्चन में जो एरर है वो दूसरे पार्ट में है, और यही आपका आंसर है। बढ़े आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आई वुड लाइक टू मीट हिज कजन ब्रदर हु इज जस्ट रिटर्न फ्रॉम जर्मनी। नाउ सी, यहां देखो, व्हाट इज दिस कजन ब्रदर,
जब हम लोग कजिन का यूज करते हैं ना, तो उसके साथ में नो ब्रदर नो सिस्टर, न ब्रदर न सिस्टर, कुछ भी यूज नहीं करते हैं। कजिन का मतलब ही होता है, ठीक है ना, जो चचेरा हम लोग जो बात करते हैं ना, चचेरा या चचेरी, कजिन का मतलब ही वही होता है। इसके साथ में हम लोग ऐसे इस्तेमाल ब्रदर्स और सिस्टर्स का नहीं करते हैं, ठीक है। अब ये पता कैसे चलेगा कि वो जो कजिन है वो है, मतलब लड़का है या लड़की, हाँ, मेल है या फीमेल, कैसे पता चलेगा? बेटा ये सेंटेंस से पता चलता है, ठीक है। ये कैसे पता चलता है? सेंटेंस में उसके सेंस से पता चलता है। हो सकता है इसके आगे एक और भी वो सेंटेंस आ जाए जिसमें लिखा रहे हु हैज जस्ट रिटर्न फ्रॉम जर्मनी, शी हैज ब्रॉट सम गिफ्ट फॉर मी, तो फिर ये समझ में आ जाएगा ना कि ये कजिन कौन है, लड़की होगी, है ना। तो ऐसे समझते हैं हम लोग, मतलब सेंटेंस में, आपको सेंटेंस में सिर्फ कजिन से ये पता नहीं चलेगा, बट उस सेंटेंस में और भी ऐसे वर्ड्स होंगे जो कि ये आपको हिंट कर रहे होंगे कि वो लड़का होगा या लड़की, ठीक है। तो यहां पे इस पार्ट में क्या कर रहे है? गलत है, दूसरा नंबर गलत है, और यही आपका आंसर है, ठीक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देवा इज वन ऑफ द बेस्ट स्टाइलिस्ट अगेन एंड मोस्ट लूसिड माइंड्स इन दिस कंट्री। यहां देखो माइंड्स का यूज तो किया गया है ना, इसी के लिए किया गया है ना, बताओ। लेकिन यहां पे स्टाइलिस्ट का यूज भी तो इसी के लिए किया गया है, हुँ? और अगर स्टाइलिस्ट का यूज यहां पे किया गया, यहां माइंड्स है और ये प्लूरल है, ये भी तो प्लूरल होगा, जैसा कि सबसे पहला ही क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया था, है ना। वन ऑफ द के बाद क्या होता है? वन ऑफ द के बाद जो नाउन आता है वो ऑलवेज प्लूरल होता है। स्टाइलिस्ट एंड माइंड दोनों प्लूरल होने चाहिए थे। यहां पे एक प्लूरल है एक सिंगुलर है, इसको हम लोग प्लूरल करेंगे। मतलब आपका एरर किस पार्ट में है? सेकंड पार्ट में है, ठीक है। सेकंड पार्ट में एरर है, क्लियर है ये? आगे बढ़े, चलो देखते हैं फिर अगला क्वेश्चन। शोभा गेव मी सम एडवाइसेस ऑन हाउ टू स्टडी फॉर द एग्जामिनेशन, अगेन सेम एज द प्रीवियस वन। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने एक दो क्वेश्चन पहले ही देखा है एडवाइसेस के बारे में। यहां पे भी शोभा ने क्या दिया? वैसा कोई इन्फॉर्मेशन दिया है क्या, हुँ? जो कम्युनिकेट किया है, यहाँ पे भी उसने काउंसिल किया होगा, वहां पे उसने सजेशन दिया होगा ना कुछ, है ना। तो यहाँ पे एडवाइसेस नहीं होगा, सजेशन के लिए काउंसिल के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? एडवाइस, कितना सिंपल है, ठीक है। तो यहां भी एरर किस पार्ट में है? सेकेंड पार्ट में है, ठीक है, हुँ? और यही आपका आंसर है, चलो ठीक है। फिर अगला देखते हैं, 12वां नंबर क्वेश्चन, 12th। अच्छा ये लेवल 2 है, फिर से डायरेक्शन है यहाँ पे, ये आप लोगों को पढ़ लेना चाहिए। अभी अभी तो खैर समझ में आ रहा है क्या है, बट कभी भी एग्जाम में हमेशा इसको डायरेक्शंस को पढ़ लिया करें, ठीक है। बिकॉज होता क्या है ना, कभी कभी तुम लोग सोच लेते हो कि यही बोल रहा होगा, और एग्जैक्टली अगर वो नहीं होगा तो जितने भी क्वेश्चन आप लोग कर रहे होंगे सारे के सारे हेवायर गलत हो जाएंगे, ठीक है ना, प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए पढ़ लिया करें, ठीक है। नाउ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 इज द स्टाफ ऑफ दैट कॉलेज इज नॉट हैप्पी विद देयर न्यू वर्किंग कंडीशंस। द स्टाफ ऑफ दैट कॉलेज इज नॉट हैप्पी विद देयर न्यू वर्किंग कंडीशन। अब यहां पे एक चीज ध्यान देना, यहां पे ये क्या लिखा हुआ बेटा? स्टाफ, ठीक है, ये सिंगुलर है या प्लूरल? नॉर्मली इसको हम लोग सिंगुलर भी यूज करते हैं, प्लूरल भी यूज करते हैं। हालांकि सिंगुलर यूज करना हो तो सबसे बेहतर ये होगा कि हम लोग क्या यूज करें? स्टाफ मेंबर यूज करें तो बेहतर होगा, ठीक है, स्टाफ मेंबर, ऑलराइट, सिंगुलर यूज के लिए। लेकिन यहां पे दिख रहा है, अब इसको पता करो ये सिंगुलर है कि प्लूरल, कैसे पता होगा? तो ये फिर से मैं हमेशा यही कहता हूं कि बेटे आप सबसे पहले ना सेंटेंस के सेंस को देखो। इस सेंटेंस में क्या कुछ वैसे वर्ड्स भी हैं जो इसके बारे में कुछ स्पेशल चीजों को बता रहे हूं? अब यहां पे देखो, ये जो देयर प्रोनाउन है, ये जो देयर प्रोनाउन है, ये किसके लिए आया है? ये देयर प्रोनाउन किसके लिए आया है? ये देयर प्रोनाउन स्टाफ के लिए ही तो आया है ना, है ना। और अगर स्टाफ के लिए आया है इसका मतलब क्या हुआ? स्टाफ प्लूरल है, यहाँ पे प्लूरल के तौर पे इस्तेमाल किया गया है। और अगर ये स्टाफ प्लूरल के तौर पे इस्तेमाल किया गया है, सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल किया गया है, तो इसका जो वर्ब होगा, यहां देखो इसका जो वर्ब है वो यही है ना, इज, तो क्या ये वर्ब प्लूरल है?
नहीं है ना ये प्लूरल, यहां पे क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तब जाके ये सेंटेंस सही होगा। मतलब यहां पे इस सेंटेंस में दूसरे पार्ट में एरर है और यही आपका आंसर है। ठीक है, चलते हैं लेवल टू के दूसरे क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं इसको। कमल ऑलवेज सेज दैट द acoustics of this room is very bad. अब देखें क्या समझ में आ रहा है इसमें, चलो सीधा देखते हैं हम लोग इसको। ये एक वर्ड है acoustics, है ना, ये acoustics क्या है बॉस? इस साइंस ऑफ acoustics इज साइंस ऑफ what? acoustics इज साइंस ऑफ वॉट? एकॉस्टिक्स इज साइंस ऑफ साउंड वेव्स। ठीक है, और ये साइंस ऑफ साउंड वेव्स है, मतलब ये है कि कहीं ना कहीं जो एकॉस्टिक्स है उसको हम लोग कैसे यूज करते हैं। जैसे कुछ और भी वर्ड्स मैं आप लोगों को बताता हूँ, देखना, इसको एज अ सब्जेक्ट भी तो हम लोग बोल सकते हैं ना। अब ये देखो मैथमेटिक्स, ध्यान देना, स्टैटिस्टिक्स, पॉलिटिक्स। अभी थोड़ी देर पहले ना इस वर्ड को आपने देखा होगा, पॉलिटिक्स किसी क्वेश्चन में आ रहा था ये। ठीक है, पॉलिटिक्स, और भी कोई वर्ड बताओ, फोनेटिक्स, लिंग्विस्टिक्स, लिंग्विस्टिक्स, है ना, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स आपको मिलेंगे। इस तरह के जो वर्ड्स हैं, ये देखो कहीं ना अगर ये मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है, स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट है, फोनेटिक्स, लिंग्विस्टिक्स, पॉलिटिक्स सब्जेक्ट है, तो ये कैसे यूज होगा? इसको हम लोग सिंगुलर की तरह यूज करेंगे। ठीक है, इसको हम लोग कैसे यूज करते हैं? सिंगुलर की तरह यूज करते हैं। बट एक खास बात ध्यान देने की ये है कि ऐसे ये सब्जेक्ट के तौर पे तो सिंगुलर की तरह इस्तेमाल होते हैं, बट इनके साथ को अगर इनको पर्टिकुलराइज किया जाए, ठीक है, इनके साथ किसी डिटरमाइनर का यूज किया जाए या इसको पर्टिकुलराइज किया जाए किसी और तरीके से, तो फिर क्या होगा पता है? फिर इसको हम लोग प्लूरल के सेंस में यूज करते हैं। ठीक है, इसको अब यहां देखिए, एकॉस्टिक्स ये सारे ऐसे ही हैं, तो एकॉस्टिक्स का मतलब मैंने क्या बताया आपको, द साइंस ऑफ साउंड वेव्स, है ना, तो वो तो तुम्हारा हो गया क्या सब्जेक्ट, बट यहां पे क्या ये सब्जेक्ट किस तरह इस्तेमाल किया गया है? यहां पे तो ये बताने की कोशिश की कि इस रूम का एकॉस्टिक्स मतलब क्या हुआ, इस रूम में जो साउंड आता है उसकी क्वालिटी क्या है। ठीक है ना, वो कहीं ज्यादा बिखरती तो नहीं है, इको तो नहीं करता है, बहुत सारी चीजें और भी होंगी उसके अंदर में देखने की बात है। तो यहां पे एकॉस्टिक्स को क्या किया है हमने, ऑफ दिस रूम के साथ में पर्टिकुलराइज कर दिया है ना, ऐसा लग रहा है ना कि इस रूम का एकॉस्टिक्स की बात हो रही है, है ना, इसको एज अ सब्जेक्ट हम बात नहीं कर रहे हैं इसकी। और अगर एज अ सब्जेक्ट इसकी बात नहीं कर रहे हैं तो इस वर्ड को देखो एकॉस्टिक्स जो है वो सिंगुलर की तरह यूज नहीं होगा, कैसे यूज होगा, इसको हम लोग प्लूरल की तरह यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे? प्लूरल की तरह। और अगर प्लूरल की तरह इसको यूज करेंगे तो इसके साथ में आने वाला जो वर्ब होगा, है ना, इसके साथ जो आने वाला वर्ब होगा वो वर्ब कैसे होगा, वो वर्ब भी तो प्लूरल होगा ना, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, तो प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, यहां पे इज नहीं होगा, क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। ठीक है, कहीं कोई परेशानी? तो इसमें आपका एरर कौन से पार्ट में है? दूसरे पार्ट में है। आपका आंसर दो नंबर है, ठीक है, ये दो नंबर ही आपका आंसर है दूसरे क्वेश्चन का। अब चलते हैं हम लोग तीसरे क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, अब उसको देखते हैं। इनफैक्ट इसके बारे में भी समझ गए हो ना तुम लोग, इसको भी हम लोग जब ये सब्जेक्ट के तौर पे है तो इसको हम लोग सिंगुलर इस्तेमाल करते हैं, और सब्जेक्ट के अलावा अगर इसको पर्टिकुलराइज करके या इसके साथ में अगर किसी तरह का कोई डिटरमाइनर यूज करते हैं हम लोग, तो ये प्लूरल की तरह यूज होता है। जैसे कि सिंपली मैथमेटिक्स इज अ गुड सब्जेक्ट, लेकिन अगर मैं वही लिखूं कि माय मैथमेटिक्स या योर मैथमेटिक्स, ठीक है ना, योर मैथमेटिक्स आर गुड, बिकॉज वहां पे मैथमेटिक्स अब सब्जेक्ट नहीं रह गया है, वहां पे मैथमेटिक्स का मतलब क्या हो गया है, कैलकुलेशंस, यू नो, तुम्हारे कैलकुलेशंस बहुत अच्छे हैं। स्टैटिक्स की बात करें, स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं अगर हम, और मैंने कहा द स्टैटिस्टिक्स आर नॉट करेक्ट, तो वहां पे स्टैटिस्टिक्स जो है वो क्या है, आंकड़ों की बात होने लगी,
अब ये सांख्यिकी सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल नहीं किया गया वहां पे, ठीक है, आंकड़ों की बात होने लगी। योर स्टैटिस्टिक्स, अगर इसकी बात मैं करूं, योर स्टैटिस्टिक्स आर नॉट करेक्ट, तो यहां पे क्या हो गया, आर नॉट करेक्ट, बिकॉज अब मैं कह रहा हूं कि आपके आंकड़े बिल्कुल सही नहीं है, अब मैं आपके सब्जेक्ट सांख्यिकी की बात नहीं कर रहा हूं। ऐसे ही इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं। तो अभी आपने देख लिया, इसको अगर हम लोग डिटरमाइनर या किसी और तरीके से पर्टिकुलराइज करते हैं तो फिर ये प्लूरल हो जाता है, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हिज बोन्स वर इन अ कंडीशन दैट मेनी अ यंग मैन माइट एनवी। ग्रेट, आई एम श्योर इस तरह के सेंटेंसेस आप लोग देखे जरूर होगा आप लोगों ने, ठीक है। अब यहां देखो, मेनी अ यंग मैन, दिख रहा है क्या है ये, मेनी अ यंग मैन, ठीक है। क्या मतलब हुआ इसका, मेनी अ यंग मैन का? देखो बच्चे, मेनी मतलब तो आपको पता है ना, बहुत सारे। अब मेनी ए का मतलब क्या हुआ, जो ए लगा दिया साथ में, मेनी अ, और इसके बाद इसका मतलब क्या हुआ, अ लार्जर नंबर, यू नो, काफी ज्यादा मात्रा में कोई भी चीज है ना, उसके लिए हम लोग ऐसे यूज करते हैं मेनी अ, ठीक है। अब जैसे कि कह सकते हैं, मेनी अ मेन अटेम्प्टेड टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने के लिए बहुत सारे लोगों ने प्रयत्न किया है, ठीक है, बहुत सारे लोगों ने प्रयत्न किया। तो इस तरह से हम लोग मेनी अ का यूज करते हैं। और दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये समझने का है कि मेनी अ के बाद जो नाउन आता है, इसके बाद जो नाउन आता है उसको हम लोग कैसे यूज करते हैं, ये हमेशा सिंगुलर आता है, ठीक है। इसके बाद क्या आता है, ये नाउन हमेशा सिंगुलर आता है, और इसके साथ आने वाला जो वर्ब होता है ना, वो भी क्या होता है, सिंगुलर होता है। ध्यान रखिएगा इस बात का, इसके साथ आने वाले जो वर्ब्स होते हैं वो भी सिंगुलर होते हैं, ठीक है। आप लोगों ने ये प्रोवर्ब सुना होगा, ये मतलब एक कहावत ऐसे सुनी होगी, मेनी अ स्लिप बिटवीन द कप एंड द लिप, सुना है, मेनी अ स्लिप बिटवीन द कप एंड द लिप, है ना। तो मेनी अ स्लिप, स्लिप मतलब यहां पे मैंने बताया नाउन सिंगुलर, ठीक है, और इसके साथ जो वर्ब आएगा वो भी सिंगुलर। तो यहां पे इस किस पार्ट में एरर है, थर्ड पार्ट में एरर है, और यही आपका आंसर है, ठीक है। चलो देखते हैं अब हम लोग अगले क्वेश्चन को। ड्राट्स आर गेम्स फॉर टू पीपल प्लेड विद राउंड पीसेस ऑन अ बोर्ड। अब बताइए ये क्या है। ऐसे बहुत सारे ना गेम्स में भी ना कुछ ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो कि दिखने में तो ये बिल्कुल प्लूरल की तरह दिख रहा है, बट एग्जैक्टली ये एक गेम है ना, ये एक बोर्ड है। जैसे चेस बोर्ड देखा है आप लोगों ने, वैसे ही चेस बोर्ड जैसा होता है वैसे ही ड्राट बोर्ड होता है, ठीक है। और इसको खेलते कितने लोग हैं, दो लोग खेलते हैं, बट ये एक ही बोर्ड है उस पर दो लोग खेलते हैं। एग्जैक्टली इसमें देखा जाए तो 12 राउंड राउंड पीसेस होते हैं, और उनको हम लोग ना उस पे बोर्ड पे सजा करके उसका मतलब जो खाने बने हुए हैं उसके अंदर में, एग्जैक्टली चेस बोर्ड की तरह ही होता है, और उसमें रख करके उसको खेला जाता है। और इसमें जो ऑब्जेक्टिव होता है बेसिकली वो यही होता है कि भाई हम आपके वाले जो पीसेज है ना उसके ऊपर से छलांग लगा करके, अगर उसके ऊपर से छलांग लगा के आगे बढ़ जाते हैं तो आपके पीसेज को हमने उठा लिया, मतलब आपकी पीस जो है ना वो हमारी हो गई, ठीक है। तो इस तरह से खेलते हैं ड्रॉट्स को कई बार। अब आजकल भी गांव में ना पता है लोग नीचे में फर्श पे कुछ बना लेते हैं, मिट्टी मतलब इस पे नीचे जमीन पे ही बना करके उसको खेलना शुरू कर देते हैं, ठीक है, उनको तो बोर्ड्स की भी जरूरत नहीं पड़ती है। तो ड्रॉट्स बेसिकली वही है। तो अगर ड्रॉट्स ये है, ड्रॉट्स बेसिकली क्या है, सिंगुलर, और अगर ये सिंगुलर है तो यहां पे ये गलत है, ठीक है, ये गलत है। क्या होगा, ड्रॉट्स इज अ गेम, क्या होगा, इज अ गेम। ड्रॉट्स इज अ गेम फॉर टू पीपल प्लेड विद राउंड पीसेज ऑफ ऑन अ बोर्ड, ठीक है। इसमें एरर फर्स्ट पार्ट में है, यही आपका आंसर है। चले बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, ही इज वॉचिंग सम क्रू हु हैज जस्ट कम ऑन टू द वॉट,
onto the what? Oh, onto the deck. है ना? He is watching some crew who has just come onto the deck. अब यहां फिर से देखना, ये सम है, यहां पे सम है और इसके बाद ये क्या है? क्रू है. ठीक है, एग्जैक्टली आपको मैं बताऊं, क्रू जो वर्ड है ये प्लूरल है. अगर इसको सिंगुलर के तौर पे इस्तेमाल करते हैं ना, तो हम लोग नॉर्मली लिखते हैं क्रू मेंबर. ठीक है, क्रू जो है वो प्लूरल वर्ड है. और अगर ये प्लूरल वर्ड है क्रू, तो इसके साथ में हम लोगों ने जो वर्ब यूज करना है वो कैसे यूज करना है, वो वर्ब भी हम लोगों को प्लूरल यूज करना पड़ेगा. तो यहाँ पे हैज नहीं, इसके साथ में कौन सा वर्ब को यूज करेंगे हम लोग? हैव को यूज करेंगे. ठीक है, क्रू के साथ में हैव को यूज करेंगे. ठीक है, तो सेकेंड पार्ट में आपका एरर है. और आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं दूसरे क्वेश्चन को, मतलब छठे क्वेश्चन को. चलो देखते हैं अब हम लोग छठे क्वेश्चन को. नेवर इन द एनल ऑफ क्राइम हैज देयर बीन सच अ डेयरिंग रॉबरी. नेवर इन द एनल ऑफ क्राइम हैज देयर बीन सच अ डेयरिंग रॉबरी. अब इसमें क्या एरर दिख रहा है आप लोगों को? क्या एरर दिख रहा है भाई? बेसिकली सुनना, ये जो वर्ड है ना, यहाँ पे यही थोड़ा गलत लिखा हुआ है. बेसिकली यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है कि ऐसी डेयरिंग रॉबरी क्राइम के इतिहास में कभी नहीं हुई थी, कुछ ऐसा ही बोलने की कोशिश कर रहा है ना ये. तो मतलब ये इतिहास खंगालने की बात हो रही है ना, मतलब जो एक इसके इसके पहले मतलब ऐसी कुछ घटना हुई नहीं, इसी के बारे में तो बात किया जा रहा है ना. हाँ, इसका मतलब क्या हुआ? बेसिकली यहां पे जो वर्ड यूज करना था वो करना था एनल्स. ठीक है, एनल्स का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अ रिकॉर्ड ऑफ इवेंट्स इन ईयरली सीक्वेंस. है ना, मतलब क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में जो रिकॉर्ड रखे जाते हैं उसको क्या कहा जाता है? एनल्स कहा जाता है. तो यहां पे एग्जैक्टली इस वर्ड की जरूरत थी एस लगा करके, ये वर्ड ही गलत है. ठीक है, ठीक है, ये समझ आया? चलो, तो इसमें फर्स्ट पार्ट में एरर है, एनल्स होना चाहिए एनल की जगह पे. देखें अब अगले क्वेश्चन को, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. द पुलिस हैज एब्सोल्यूट प्रूफ ऑफ शंकर्स गिल्ट. है ना, अभी थोड़ी देर पहले हम लोग बात कर रहे थे कुछ ऐसे वर्ड्स के बारे में जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों तरह के यूज होते हैं, है ना. जैसे मैंने बताया अभी, क्राउड, फैमिली, और क्या क्या बोला था याद आ रहा है? रिवाइंड करना, चीजों को फिर से देखना. मैंने कहा था ना, बार बार उसको नजर से गुजारिए आप लोग. ठीक है, सामने से गुजरता रहेगा आप लोग, यू विल बी एकस्टम्ड टू यू नो यूजिंग दोज वर्ड्स. सही, उनके सही कंटेक्स्ट में आप लोग यूज करना सीखना चाहिए आप लोगों को. यहाँ पे देखो कुछ ऐसे भी वर्ड्स होते हैं जो ऑलवेज प्लूरल होते हैं, जैसे कि देखो ये पुलिस है ना, पुलिस एक ऐसा वर्ड है जो कि हमेशा प्लूरल होता है. ठीक है, जैसे कि जेंट्री एक ऐसा वर्ड है जो कि हमेशा प्लूरल होता है, जैसे कि वर्मिन एक ऐसा वर्ड है जो कि हमेशा प्लूरल होता है. ठीक है, इसी तरह से पुलिस भी एक ऐसा वर्ड है जो कि हमेशा प्लूरल होता है. और अगर ये प्लूरल है तो इसके साथ में जो वर्ब इस्तेमाल होगा वो कैसे होगा? वो भी प्लूरल इस्तेमाल होगा, है ना. तो यहां पे हैज नहीं होगा, क्या हो जाएगा? हैव. सिंपल. तो एरर किस पार्ट में है? ऑफ कोर्स फर्स्ट पार्ट में. यही आपका आंसर भी है. ठीक है, तो सेवेंथ नंबर हो गया, अब चलते हैं एट्थ की तरफ. इंटरेस्ट ऑन मनी इन अ सेविंग अकाउंट accrues रेगुलरली. ग्रेट, आप में से कितने सारे ऐसे लोग होंगे ना जिनका अपना अकाउंट होगा, है ना, होगा कि नहीं? बहुत सारे ऐसे लोग होंगे. तो आप लोग के पास कौन सा अकाउंट है? नॉर्मली स्टूडेंट्स हैं या ऐसे भी एक सामान्य आदमी के पास में जो अकाउंट होता है वो सेविंग्स अकाउंट होता है. ठीक है, और जो सेविंग्स अकाउंट होता है ना, तो यही प्रॉब्लम क्रिएट होता है. लोग उसको क्या कहते हैं? सेविंग अकाउंट, है ना. ये अकाउंट क्या होता है बेसिकली? ये अकाउंट सेविंग्स अकाउंट होता है, एस लगा के, सेविंग्स अकाउंट. नाम ही है इसका सेविंग्स अकाउंट,
ठीक है, इसलिए इसी पार्ट में गलत है. इंटरेस्ट ऑन मनी इन अ सेविंग्स अकाउंट, ठीक है, और से आप लोग चिंता मत करना कि अ लगा हुआ है, बिकॉज ये सेविंग्स अकाउंट होता ही है, एक भी रहेगा तो ये सेविंग्स अकाउंट ही है, ठीक है, इसलिए अ से कोई फर्क नहीं पड़ता है. इसको ध्यान देना, इस अकाउंट को ही हम लोग सेविंग्स अकाउंट कहते हैं, इसी पार्ट में एरर है ना, और यही आपका आंसर है. ठीक है, तो बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. चलो देखो अगला क्वेश्चन. द चार्ज फॉर द डिलीवरी ऑफ फर्नीचर इज एडिशनल. अगेन देखो, देख लो, अच्छे से पता होगा आप लोगों को, फर्नीचर्स इस्तेमाल नहीं किया जाता है. क्या इस्तेमाल होता है भाई? फर्नीचर, है ना. फर्नीचर का प्लूरल नहीं करते हैं हम लोग. जैसे सिंपली इसका प्लूरल करोगे, लगेज का प्लूरल नहीं करते ना, बैगेज का प्लूरल नहीं करते ना. अरे फर्नीचर है क्या बेसिकली? देखो एक कुर्सी को, एक टेबल को, कोई एक कुर्सी दिख जाए तो उसको फर्नीचर बोलोगे? एक टेबल मिल जाए उसको फर्नीचर बोलोगे? नहीं ना. इनफैक्ट कुर्सी, टेबल, बेंच, बहुत सारी चीजें और भी मिल जाती हैं तो उसको हम लोग कहते हैं फर्नीचर, मतलब एक ग्रुप हो गया उनका, फिर भी उसको हम लोग क्या कहते हैं? फर्नीचर कहते हैं. ठीक है, और वो हमेशा बिना एस का इस्तेमाल होता है. ठीक है, बिना एस का इस्तेमाल होता है तो इसलिए इसको फर्नीचर. लगेज मतलब क्या? बैगेज मतलब क्या? एक बैग को बैगेज बोलेंगे. हाँ, जब बहुत सारा सामान इकट्ठा कर लेते हैं, बहुत सारे बैग्स हो जाते हैं, बहुत सारा सामान हो जाता है तो क्या कहते हैं हम लोग? बैगेज है या लगेज है. ठीक है, इसमें एस नहीं लगाते हैं हम लोग, इसमें एस नहीं लगाते हैं इसको प्लूरल बनाने के लिए. ये अपने आप में एक ऐसा वर्ड है जो प्लूरल डिनोट करता है. इनफैक्ट ये होता प्लूरल की तरह है बट इस्तेमाल हमेशा सिंगुलर में होता है. ठीक है, ना इसमें एस लगता है और ना ही इसके वर्ब को हम लोग प्लूरलाइज करते हैं, इसके वर्ब को भी हम लोग सिंगुलर ही छोड़ते हैं. ठीक है, इसका वर्ब भी सिंगुलर होता है, ध्यान रखना. और फर्नीचर्स गलत है, यहां पे क्या होना चाहिए था? ये नहीं होना चाहिए था. ठीक है, तो नाइन्थ में जो एरर है वो थर्ड पार्ट में है और यही आपका आंसर है. चलें आगे देखें. अ 4 days वर्क वीक will afford us more leisure time. देखो समझो, दिख रहा है? अच्छा एक चीज बताना चाहूं, मैंने कहा आई own 2 5-star hotels. क्या ये सही है? देखो तो अक्सर आप लोगों ने सुना होगा 5-star होटल होता है ना, या 5-star होटल होता है, नहीं होता ना. सिंपल सा रूल समझो इसको, ये एक ऐसा कंपाउंड नाउन है जिसको समझना तुम. यहां पे देखो ये हाइफन भी दिया हुआ है, यहां मैंने भी एक हाइफन दिया है. ठीक है, नॉर्मली इसको हम लोग हाइफन के तौर पे इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, नॉर्मली क्या करते हैं हम लोग? हाइफन के साथ इसको इस्तेमाल करते हैं. अब देखो एक चीज ध्यान देना, जब भी कोई काउंट डिनोटिंग वर्ड हो, ठीक है, कोई काउंट डिनोटिंग वर्ड, जैसे कि यहां देखो 5 है, 2 है, 3 है, ऐसा कुछ है. ठीक है, इसके बाद एक नाउन है, इसके बाद क्या है? एक नाउन है और इसके बाद फिर एक और नाउन है. ध्यान दीजिएगा, देख रहे हैं इसको, जब भी कोई काउंट डिनोटिंग वर्ड हो, इसके बाद एक नाउन हो और इसके बाद एक और नाउन हो, तो कभी भी इस चीज का ध्यान रखना कि इस नाउन को हमेशा कहां रखते हैं? इट्स ऑलवेज सिंगुलर. ये नाउन कैसा होता है? ऑलवेज सिंगुलर होता है, ध्यान रहेगा. मैं इतने की बात कर रहा हूं, 5-star होटल. ठीक है, यहां देखो ये स्टार्स गलत है सबसे पहले. अब ये बोलोगे कि ये नाउन, इसमें तो आपने एस लगा दिया है,
तो यहां पे एस क्यों लगा हुआ है? बिकॉज यहां इस काउंट डिनोटिंग वर्ड के पहले भी एक और भी डिटरमाइनर है ना, जो कि ये बता रहा है कि भाई ये फाइव स्टार होटल जो है वो एक नहीं है, कितना है? दो है। तो जब इसको प्लूरल करना होगा तो इसके लास्ट वाले नाउन को हम लोग प्लूरल कर देते हैं, इससे इसका प्लूरलिटी का बोध हो जाता है। ठीक है, इससे इसकी प्लूरलिटी का बोध हो जाता है। तो यहां पे हम लोग अगर एस लगाते हैं, ईएस लगाते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फाइव स्टार होटल है एक नहीं है, एक से ज्यादा है, तो ये प्लूरल हो गया। ठीक है, वैसे ही अगर यहां पे वीक्स लगा देते हम लोग तो ये भी क्या हो जाता, यहां पे एक की जगह पे दो तीन चार पांच कुछ ऐसा लिख लेते, तो वो भी ऐसा कर सकते थे हम लोग। लेकिन यहां पे सिंपली देखना ये है कि ये जो वर्ड है ना, जो मैंने एग्जैक्टली किसके लिए बोला, इसके लिए बोला, यही तो ये इतना ही डिनोट कर रहा है ना, वो फोर डेज कर रहा है ना। और अगर ये फोर डेज डिनोट कर रहा है, एक काउंट डिनोटिंग वर्ड है, उसके बाद वाला जो नाउन है और इस नाउन के पहले वाला, मतलब जो बीच वाला, इस नाउन के पहले और इसके बाद वाला नाउन यहां, तो ये नाउन हमेशा क्या रहेगा, सिंगुलर होगा, है ना। ये नाउन क्या होगा, सिंगुलर होगा, मतलब डेज नहीं होगा, डे हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, फोर डे वर्क वीक विल अफोर्ड अस मोर लीजर टाइम। ठीक है, परेशानी इसमें कोई? तो इसका जो आंसर है वो क्या है, सेकंड नंबर है, क्योंकि इसी पार्ट में एरर है। और आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। देखें, हर स्पेक्टिकल कॉट द लाइट एंड प्रिवेंटेड हिज सीइंग वेयर शी वॉज लुकिंग। अब बताना भाई, इसको बताना सिंपली, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब तो पता होगा, इसका मतलब तो पता है भाई, स्पेक्टिकल्स का मतलब क्या होता है, ग्लासेस, चश्मा, है ना। इसका क्या मतलब होता है, चश्मा, है ना। लेकिन स्पेक्टिकल का मतलब क्या होता है, इसको तो चश्मा के लिए यूज किया जाता है, तो स्पेक्टिकल का मतलब क्या हुआ? और यहां पे ये देखना है आपको कि क्या स्पेक्टिकल होगा, क्या ये बताया किसके बारे में जा रहा है, प्रिवेंटेड हिज सीइंग एंड ऑल, चश्मा के लिए तो बोला जा रहा है ना, तो नॉर्मली यहां पे होना क्या चाहिए था, स्पेक्टिकल्स होना चाहिए था। ठीक है, बाकी मैं ये भी बता दूं आपको, आपको जान लेना चाहिए कि स्पेक्टिकल का मतलब क्या होता है, साइट, है ना, दृश्य, कोई खूबसूरत सा दृश्य हो तो कहते हैं ना व्हाट अ स्पेक्टिकल, है ना, कहते हैं क्या हम लोग, कैसे यूज करते हैं हम लोग इसको, व्हाट अ स्पेक्टिकल। ठीक है, तो ये बेसिकली ध्यान देना होगा कि ये साइट के लिए, दृश्य के लिए यूज होता है, और स्पेक्टिकल्स किसके लिए यूज होता है, चश्मा के लिए यूज होता है। यहां पे जो वर्ड चाहिए हमको, ये चश्मा के लिए वर्ड चाहिए, न कि किसी साइट के लिए चाहिए। ठीक है, तो यहां पे स्पेक्टिकल्स होगा, एरर आपके फर्स्ट पार्ट में ही है और यही आपका आंसर है। ठीक है, चले देखें अगले क्वेश्चन को। My politics is not yours, but I like what you say. देखिए भाई, इसको देखिए गौर से, समझिए। मैंने कहा था थोड़ी देर पहले, किसी क्वेश्चन में आ रहा था तो मैंने बताया था मैथमेटिक्स, पॉलिटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, इकोस्टिक्स, लिंग्विस्टिक्स, है ना, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स लिखवाए थे ना मैंने। फिर से यहां देखो पॉलिटिक्स, क्या ये पॉलिटिक्स जो है यहां पे किसी सब्जेक्ट के बात हो रही है? इसके पहले मैंने कहा था ना कि अगर उसके पहले डिटरमाइनर लगा हुआ हो या इसको पर्टिकुलराइज किया हुआ हो तो फिर ये सब्जेक्ट नहीं रह जाता है, ये सब्जेक्ट के अलावा किसी चीज के बारे में बात कर रहा होता है। ठीक है, और तब इसको हम लोग क्या मानते हैं, प्लूरल मानते हैं। ठीक है, तब इसको हम लोग प्लूरल मानते हैं। तो यहां पे जैसे ही माई पॉलिटिक्स हो गया, ये जो इसकी सिंगुलैरिटी खत्म हो गई, यहां इज नहीं, यहां पे क्या यूज करेंगे हम लोग, आर यूज करेंगे। ठीक है, यहां पे क्या यूज करेंगे, आर यूज करेंगे। अभी समझ में आ गया, माई जो है ना वो डिटरमाइनर है, और किसी भी ऐसे पॉलिटिक्स हो, मैथमेटिक्स हो, ऐसे कोई भी सब्जेक्ट जिसके लास्ट में एस लगा हुआ हो, उसको अगर हम लोग क्या करते हैं, डिटरमाइनर लगाते हैं उसके साथ में, या उसको पर्टिकुलराइज करते हैं, तो उसके साथ हम लोग उसको प्लूरल वर्ब के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, मतलब उसके साथ हम लोग प्लूरल वर्ब को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें आपका आंसर है पहला, क्योंकि इसी पार्ट में एरर है। One great lesson of this phenomena is that the world will not live in harmony as long as 2/3 of its inhabitants find it difficult to live at all. इतना बड़ा सेंटेंस और कितनी छोटी सी गलती, वो एरर पकड़ना भी है ना,
खैर तुम लोगों ने भी देख लिया होगा एरर क्या है, बेसिकली ये एरर है ना, क्या एरर है भाई, फेनोमेना एरर है। क्यों एरर है भाई, इसके साथ में देखो ये वर्ब कौन सा यूज किया गया है, इज, जबकि फेनोमेना क्या है, प्लूरल है, इसका सिंगुलर क्या होता पता है, फेनोमेनन है ना, फेनोमेनन इसका सिंगुलर है और यहां पे इसको प्लूरल के तौर पे यूज किया हुआ है, इनफैक्ट यहां पे फेनोमेनन होना चाहिए था। ऐसे बहुत सारे आपको वर्ड्स मिलेंगे इंग्लिश में, मैंने कहा था ना अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने बात किया था, जो यूएस वाला वर्ड मिलता है जो लास्ट में उसके यूएस होता है, ऐसे वर्ड जिसके लास्ट के लेटर्स जो है वो यूएस हैं, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको हटाते हैं और उसका प्लूरल बनाने के लिए उसमें हम लोग आई का यूज करते हैं, ठीक है। वैसे ही ये भी वर्ड है, इसमें देखो लास्ट में क्या है, ओ एन, ऐसे बहुत सारे आपको वर्ड मिल जाएंगे, जैसे कि क्राइटेरियन है ना, देख लिया आपने, जैसे कि क्राइटेरियन, और कोई वर्ड बताओ, क्राइटेरियन देख रहे हो, ये भी लास्ट में क्या लिखा हुआ है भाई, ओ एन है इसके भी लास्ट में। तो ऐसे वर्ड्स को कहां बदल देते हैं, इसका ओ एन खत्म करते हैं और इसके लिए यूज करते हैं हम लोग टी ई आर आई ए, क्राइटेरिया, ठीक है। वैसे ही फेनोमेनन सिंगुलर, फेनोमेना प्लूरल, क्राइटेरियन सिंगुलर, क्राइटेरिया प्लूरल, ठीक है। तो यहां पे इज सही है, फेनोमेना गलत है, फेनोमेनन होगा, ठीक है, क्योंकि यहां किसकी बात हो रही है, एक ग्रेट लेसन दिस फेनोमेनन, यहां दिस लगाए हुआ ना दिख रहे हो, तो फेनोमेना होने के का प्रश्न ही नहीं उठता है, क्योंकि दिस सिंगुलर के लिए ही यूज हो रहा होगा फेनोमेनन, ठीक है। तो इसमें किस पार्ट में एरर है भाई, पहले पार्ट में एरर है, यही आपका आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़ें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। इट इज सेड बाय सम पर्संस दैट वन ऑफ द बैंक्स कुड सॉल्व इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, अगेन द सेम प्रॉब्लम, यहां फिर से देख लो, वन ऑफ द बैंक होना क्या चाहिए, वन ऑफ द बैंक्स है ना, पहला क्वेश्चन तो हम लोगों ने यही देखा है ना, उसके बाद भी एक दो और क्वेश्चन मिले हैं इस तरह के, तो यहां पे भी क्या होगा, दैट वन ऑफ द बैंक्स कुड सॉल्व इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, ठीक है। एरर किस पार्ट में, दूसरे वाले पार्ट में, यही आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड्स ऑल दिस थिंग, समझ रहे हो ना तुम लोग, चलो देखो, द टीचर वॉज स्पेशली प्लीज्ड दैट वन ऑफ अर स्टूडेंट, अगेन आगे बढ़ने की जरूरत महसूस नहीं हो रही है, सिंपली यही देख लो, वन ऑफ हर स्टूडेंट, क्या होना चाहिए भैया, वन ऑफ के बाद में ये जो स्टूडेंट है, ये जो नाउन है, इसको क्या होना चाहिए था, प्लूरल होना चाहिए था, यानी कि यहां पे एस का यूज होगा, वन ऑफ द, वन ऑफ हर स्टूडेंट्स, ठीक है। कहीं कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं ना, आगे बढ़े, चलो सिक्सटींथ नंबर, यवनिका इज वन ऑफ द लेटेस्ट एडिशन, इजी गोइंग, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं इसमें, आप लोग सब समझ रहे हैं ना, यहां देखिए वन ऑफ द लेटेस्ट एडिशन, क्या ये एडिशन होगा, इसके बाद यहां पे ये एडिशन होगा नहीं ना, क्या होगा, एडिशंस हो जाएगा सिंपली, ठीक है। मतलब किस पार्ट में एरर है, दूसरे वाले पार्ट में, ये आपका आंसर, ठीक है। बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो 17 नंबर क्वेश्चन, द नॉलेज वॉज पास्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, आई मीन व्हाट इज द प्रॉब्लम हियर, थोड़ा ध्यान दो कि देखो चीजों को समझने की कोशिश करो और देखो इसको, यहां पे लिखा हुआ है द नॉलेज वॉज पास्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, यहां पे अनदर के बाद में जो वर्ड यूज किया गया है वो क्या किया गया है, जनरेशन यूज किया गया है ना, क्या यहां पे प्लूरल आएगा, यहां पे जनरेशन होना चाहिए था, जनरेशन नहीं होना चाहिए था, यही आपका एरर है,
सबसे पहले एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये जो अनदर वर्ड है ना यहां पे, देखना ये एक्चुअली ये बोलता ही क्या है, ये देखो है ना, क्या बोलता है ये, एन अदर, देखो तो वही मिलके बना है वहां पे, तो एन अदर जेनरेशन, एन अदर जेनरेशन, यहां पे प्लूरल नहीं होगा, ठीक है। अनदर के बाद में जब भी कोई नाउन आपको दिख रहा हो वो हमेशा क्या होगा, सिंगुलर, ठीक है, ध्यान रहेगा। आंसर सेकंड, मतलब यहां पे जो दूसरा नंबर है वही आंसर है, क्योंकि इसी पार्ट में एरर है, ठीक है, कोई इशू, बढ़े आगे, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउसेज मेड ऑफ ब्रिक्स एंड स्टोन्स आर नाउ कॉमन इन इंडियन विलेजेस। नाउ सी सिंपली, ये देखो ये ब्रिक्स एंड स्टोन्स जो है ना, यहां पे ये एरर है, क्योंकि ब्रिक एंड स्टोन होगा यहां, ये अनकाउंटेबल नाउन में हम लोग इसको काउंट करते हैं, ठीक है, ये बेसिकली इसको हम लोग क्या मानते हैं, अनकाउंटेबल नाउन मानते हैं। अब एक ईंट की बात करोगे ना तो अ पीस ऑफ ब्रिक ऐसे कह देना वो अलग चीज है, बट ऐसे अगर मैं ब्रिक की बात करता हूं, हाउस जो बन रहा है, वो जो घर बनते हैं विलेजेस में हो कहीं भी हो, वो घर बनते हैं किससे बनते हैं, ईंटों और पत्थरों से, ईंट पत्थर से बनता है, तो ईंट पत्थर जो बोलते हैं ना वो बेसिकली क्या है आपका, अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन है उसको हम लोग यूं प्लूरल नहीं कर सकते हैं, उसको हम लोग ऐसे प्लूरल नहीं करते हैं, ठीक है, इसमें का एस नहीं होगा, इसमें क्या होना चाहिए, इसमें आंसर ब्रिक एंड स्टोन, क्या होना चाहिए, जस्ट ब्रिक एंड स्टोन, ठीक है, समझ में आया, ब्रिक एंड स्टोन, और यही आपका सेकंड पार्ट जो है आंसर भी है और इसी में एरर भी है, ठीक है, चलें बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 19th नंबर। व्हेन ही गॉट टू द पुलिस स्टेशन ही वाज टोल्ड दैट द पुलिस वाज ऑलरेडी ट्राइंग टू कैच द थीफ। नाउ इन द अर्लियर क्वेश्चन, आई डोंट नो, आई मीन दो तीन क्वेश्चन पहले हम लोगों ने इसको एक बार गौर से देखा था, समझा था, द पुलिस को हमने कहा था कि ये क्या होता है, प्लूरल होता है, और अगर द पुलिस प्लूरल है तो इसके साथ जो आने वाला, इसके लिए जो आने वाला वर्ब होगा वो भी प्लूरल होगा, सिंगुलर नहीं होगा, यहां पे क्या होना चाहिए था, वर। व्हेन ही गॉट टू द पुलिस स्टेशन ही वाज टोल्ड दैट द पुलिस वर ऑलरेडी ट्राइंग टू कैच द थीफ, ठीक है, कहीं कोई एरर इसमें, मतलब कोई और परेशानी आपको दिख रही है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, आपका एरर सेकंड नंबर है और यही आपका आंसर भी है, चलो देखते हैं अगला। द फिनोमेनन्स वर ऑब्जर्व्ड बाय एस्ट्रोनॉमर्स थ्रू आउट द वर्ल्ड। आ जाओ भाई देख लो, फिर से आ गया यही फिनोमेनन, फिनोमेनन जो था वो सिंगुलर था, अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे हम लोग, फिनोमेनन क्या था, सिंगुलर था, और इसका जो प्लूरल होगा वो क्या होगा, इसका प्लूरल हो जाएगा यही है ना, इसका प्लूरल फिनोमेना, यहां पे होना क्या था, फिनोमेना क्यों होना था, यहां देखो इसके लिए जो वर्ब यूज हुआ है वो क्या है, वर्ल्ड, ठीक है, और ये थ्रू आउट द वर्ल्ड देखा गया है, इसलिए अगर ये, अगर इसको वाज करेंगे तो फिर दोनों को बदलना पड़ जाएगा, यहाँ भी फिनोमेनन्स तो गलत है ही है, इसलिए इसके अकॉर्डिंगली हम लोग इसको बदल देंगे, फिनोमेना कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, यहाँ पे इस किस पार्ट में एरर है भाई, इस पार्ट में एरर है और यही आपका आंसर है। नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 21, विल डिस्कस दिस, चलो द न्यूज वर रिसीव्ड, अभी देखो चलो पढ़ लेते हैं, द न्यूज वर रिसीव्ड दैट द एमिनेंट एजुकेशनिस्ट एंड थिंकर हैज पास्ड अवे, है ना। अब यहां देखिए आप, ये जो न्यूज है इट्स ऑलवेज कंसिडर्ड व्हाट, इट इज ऑलवेज कंसिडर्ड सिंगुलर, और अगर ये सिंगुलर कंसिडर किया जाता है तो इसके साथ जो ये वर्ब यूज किया गया है ये वर्ब क्या है, प्लूरल है, जो कि नहीं होना चाहिए था, यहां पर क्या होना चाहिए था, इस वर्ब को सिंगुलर होना चाहिए था, सिंपल है ना। जैसे इंफॉर्मेशन न्यूज की तरह ही है, इंफॉर्मेशन ये भी ऑलवेज क्या होता है,
सिंगुलर होता है ना। वैसे ही न्यूज भी क्या है, सिंगुलर है, इसके साथ में जो वर्ब आएगा वो सिंगुलर होगा, ठीक है। तो किस पार्ट में एरर है भाई, पहले पार्ट में एरर है, यही आपका आंसर भी है। आगे बढ़ते हैं, दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। द प्लूरा दैट कवर्स द एक्सटीरियर ऑफ द लंग्स एंड द इनर वॉल्स ऑफ द चेस्ट कैविटी इज अ थिन इलास्टिक मेम्ब्रेन। नाउ सी दिस, ये प्लूरा क्या है पता है आपको? व्हाट इज दिस प्लूरा? ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को है ना, उसका एक वाइटल पार्ट है, जो पता है इसका रोल क्या है, ये लंग्स को कुशन देता है, ठीक है ना। ये जो चेस्ट की कैविटी है और ये जो रिब केज है, ये जो चेस्ट की कैविटी है और ये जो रिब केज है, उसके साथ में वो जो लंग्स है वो ज्यादा रगड़ नहीं खाए, है ना, कोई घर्षण ना हो, कोई फ्रिक्शन ना हो, उसको उसके लिए वो क्या करता है, एक कुशन देता है, उसको कहते हैं क्या, प्लूरा, ठीक है ना, प्लूरा, ठीक है। अब इसके बारे में बात हो रही है, और ये बेसिकली ये डबल लेयर्ड क्या होता है, ये डबल लेयर्ड क्या होता है, ये मेम्ब्रेन होता है, बट ये इसको हमेशा हम लोग कैसे ट्रीट करते हैं, सिंगुलर की तरह ही ट्रीट करते हैं, ठीक है। प्लूरा को हम लोग सिंगुलर की तरह ही ट्रीट करते हैं। इसके साथ जो वर्ब आया हुआ है वो भी बिल्कुल सही है, कवर्स है, इसके आगे भी जो पूरा वर्ड है जो भी आए हुए हैं इसमें, सेंटेंस को बिल्कुल सही करते हैं, कहीं कोई ग्रामेटिकल एरर नहीं है। द प्लूरा दैट कवर्स द एक्सटीरियर ऑफ द लंग्स, कहीं कोई परेशानी नहीं, एंड के साथ जुड़ा हुआ द इनर वॉल्स ऑफ द चेस्ट कैविटी, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, परेशानी नहीं है। और ये जो इज यहां आया हुआ है, फिर से देखो, ये इज क्या है, अगेन इट्स अ वर्ब, है ना, और ये वर्ब किसके लिए आया हुआ है, ये वर्ब इसी के लिए आया हुआ है। और अभी भी हमने डिस्कस किया कि प्लूरा है क्या, सिंगुलर है, इसलिए यहां पे अगर इज है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, इसमें कोई एरर नहीं है, ठीक है। आंसर नो एरर मार्क करेंगे, नंबर 4, ठीक है, 22वें नंबर क्वेश्चन का आंसर है नो एरर, ठीक है। अब आगे बढ़े, दूसरे क्वेश्चन को देखें, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बारबरा वुटन, वन ऑफ द ग्रेट चैंपियन ऑफ हायर एजुकेशन ऑफ वुमेन। अब यहां पे देखिए, वन ऑफ द ग्रेट चैंपियन ऑफ द हायर एजुकेशन फॉर वुमेन, ठीक है। तो यहां पे फिर से तो वही है, वन ऑफ द, और वन ऑफ द के बाद जो नाउन आना चाहिए वो क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए भाई, चैंपियंस, है ना, ये प्लूरल होना चाहिए ना। तो सिंपली इसी पार्ट में एरर है, वन ऑफ द ग्रेट चैंपियंस होना चाहिए यहां पे, ठीक है। तो किस पार्ट में एरर है, सेकंड पार्ट में एरर है इसके, और यही आपका आंसर भी है 23 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। अभी देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी कोई परेशानी नहीं है ना, समझते रहना सारा, अच्छे से समझिए और एग्जाम में बहुत अच्छा कीजिए, यू नो, कम आउट ऑफ द एग्जाम विद फ्लाइंग कलर्स। दिस इज वन ऑफ द फूड दैट हिज डॉक्टर हैज फॉरबिडन हिम टू ईट। देखो इसमें थोड़ी सी दुविधा हो सकती है ना, थोड़ी सी परेशानी आप लोगों को हो सकती है, बिकॉज फूड जो है ना, इसका प्लूरल भी फूड होता है, कहीं कोई इशू नहीं है, ठीक है। बट एक चीज ध्यान देने वाली बात है, यहां पे उसके डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब किया है, ठीक है। तो अगर किसी स्पेशल फूड की बात कर रहे हो हम लोग, या उसके स्पेशल वैरायटी ऑफ फूड की बात कर रहे हो, तो हम लोग वहां पे फूड को भी प्लूरल कर सकते हैं, और इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, फूड्स लिख सकते हैं, ठीक है। क्या कर सकते हैं इसको हम लोग, इसको हम लोग फूड्स लिख सकते हैं, ठीक है। स्पेशल वैरायटी फूड का, स्पेशल वैरायटी अगर कर रहे हो तो फूड्स हो सकता है, ठीक है। स्पेसिफिक काइंड्स ऑफ फूड की अगर हम बात कर रहे हो तो आराम से हम लोग इसको ये कह सकते हैं, ठीक है। अगर आपको यूज करना हो इसको, ठीक है, तो ये ग्रामेटिकली ऐसे भी सही है, बट यहां अगर फूड्स हो जाए तो ज्यादा सही हो जाएगा। हम लोग को यही देखना है, क्योंकि ऐसे जानते हैं ना हम लोग कि फूड क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, इसको हम लोग प्लूरल नहीं करते हैं। बट जब किसी ऐसी चीज के बारे में बात हुई, जब मैंने कहा ना स्पेसिफिक काइंड की बात हो रही है और स्पेसिफिक काइंड्स की बात हो रही है,
तो फिर हम लोग इसको प्लूरल कर सकते हैं, यहाँ पे फूड्स होगा। और एग्जैक्टली आपका यही पार्ट एरर है, इसी को समझने की जरूरत है, सेकंड पार्ट में एरर है, यही आपका आंसर है। ठीक है, अब आप फिर से समझ गए इस चीज को। फूड है वैसे तो अनकाउंटेबल नाउन है, इसका प्लूरल नहीं होता है, बट स्पेसिफिक काइंड्स ऑफ फूड के बारे में अगर हम लोग बात कर रहे हो तो उसका प्लूरल किया जा सकता है और उसको हम लोग फूड्स के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। यहां पे उसी के तौर पे इसको इस्तेमाल करना है, फूड की जगह पे फूड्स का यूज होगा। ठीक है, बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर जजिंग वेदर इट इज गुड और बैड। नाउ सी, थोड़ी देर पहले हम लोग बात कर रहे थे फिनोमेनन की बात कर रहे थे, उसके साथ ना क्राइटेरियन की बात की थी हमने। ठीक है, क्राइटेरिया इज अ प्लूरल वर्ड, क्राइटेरिया इज अ प्लूरल वर्ड, और इसका सिंगुलर जो होता है वो क्या होता है, क्राइटेरियन। क्या होता है भाई, क्राइटेरियन। और यहां पे इस्तेमाल क्या करना है, क्राइटेरियन, बिकॉज सिंगुलर के तौर पे इसको इस्तेमाल करना है। ठीक है, यहां देखिए आप, इसके लिए जो वर्ब आया हुआ है वो भी सिंगुलर है। ठीक है, तो यहां पे यूज क्या करेंगे हम लोग, क्राइटेरियन। क्राइटेरिया नहीं होगा, ये एरर है नंबर वन, यही आपका आंसर है। ठीक है, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 26वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं भाई। अब We think that the persons engaged in the teaching line are doing best services to the nation. Now see, बड़ा अजीब सा नहीं लग रहा है सुनने में ये, भाई ये कौन सा लाइन है, टीचिंग लाइन, ये स्लैंग है, ये फॉर्मल, अगर हम लोग फॉर्मल स्पीकिंग या राइटिंग की बात करें ना तो हम लोग इसको ऐसे यूज नहीं करते हैं। ठीक है, ये टीचिंग लाइन क्या होता है यार, एग्जैक्टली ये क्या है, टीचिंग प्रोफेशन, दिस इज व्हाट, टीचिंग प्रोफेशन। ठीक है, तो स्लैंग यूज नहीं करेंगे अपने फॉर्मल राइटिंग्स में, हम लोग स्लैंग का यूज नहीं करते हैं, टीचिंग लाइन स्लैंग के तौर पे यूज किया गया यहां पे, इसकी जगह पे होना क्या चाहिए, टीचिंग प्रोफेशन। ठीक है, तो किस पार्ट में एरर है, सिंपली इस पार्ट में एरर है, यही आपका आंसर है। ठीक है, बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नो डाउट टुमारो इज हॉलीडे येट मालवीय हैज सो मेनी वर्क्स टू डू एट हिज रेजिडेंस। सी टू थिंग्स आर देयर इन फैक्ट दैट आई वांट टू टेल यू रिगार्डिंग दिस, दो चीजें हैं। सबसे पहले तो हम लोग एरर पे जाते हैं और ये देखते हैं कि थोड़ी देर पहले हम लोग ना बात कर रहे थे इसके बारे में भी, वर्क्स के बारे में बात कर रहे थे ना, वर्क मतलब काम होता है और वर्क्स मतलब दो उसका मीनिंग होता है, एक तो रचनाएं किसी ऑथर की, किसी पोएट की, किसी ड्रामेटिस्ट की, है ना, ऐसे लोग जो थे उनकी रचनाओं को क्या कहते हैं, वर्क्स कहते हैं, और साथ में फैक्ट्री को भी हम लोग, है ना, फैक्ट्री इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज वर्क्स, वर्क्स के तौर पे हम लोग उसका भी इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पे बेसिकली हम लोग क्या बता रहे हैं, वर्क्स के बारे में बता रहे हैं क्या, कि वो रचनाओं या फिर फैक्ट्री के बारे में बात हो रही है, यहां पे तो काम के बारे में बात हो रहा है ना, सेंटेंस देख के लग रहा है ना काम के बारे में बात हो रहा है, और अगर काम के बारे में बात हो रहा है क्या यहां पे ये वर्क सही है, इसकी जगह पे क्या होना चाहिए, नॉर्मली वर्क होना चाहिए। ठीक है, वर्क होना चाहिए, पहली चीज तो ये थी। दूसरा मैं आपको ये भी बताना चाहता कि टुमारो इज हॉलीडे, बेसिकली ध्यान रखना, हालांकि आजकल ना ये नॉर्मल जो हमारे कॉलोकियल लैंग्वेज है तो उसमें फॉर्मल और इनफॉर्मल हम लोग दोनों तौर पे इसको इस्तेमाल कर लेते हैं, हालांकि इसके लिए जो सूटेबल इंग्लिश है वो ये है, इट इज अ हॉलीडे टुमारो। ठीक है, या टुमारो इज अ हॉलीडे ऐसे लिखते हैं हम लोग, टुमारो इज हॉलीडे की जगह पे टुमारो इज अ हॉलीडे। ठीक है, वैसे ये भी करेक्ट है, तो मैंने सोचा कि चलो ये दो तीन जो एक्सप्रेशंस हैं इसके लिए वो सारे डिस्कस कर दूं मैं आपके साथ में। अब आप जान गए हैं, टुमारो इज हॉलीडे, टुमारो इज अ हॉलीडे, इट इज हॉलीडे टुमारो, ये सारी होती, मतलब ये सारे एक्सप्रेशंस इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, चलो ये तो 27 नंबर था, 28 नंबर देखते हैं हम लोग। यहाँ पे एरर समझ में आ गया ना, कौन से पार्ट में है भाई, वर्क्स, ये थर्ड पार्ट में है और यही आपका आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
He said to his wife that the furnitures of his drawing room should be replaced as soon as possible. Again, the same thing, furnitures, it should not be there. What should we use instead of furnitures? क्या यूज करेंगे भाई? सिंपल, इसको हम लोग हटा देंगे. सिंपली क्या यूज करेंगे भाई? फर्नीचर. क्या यूज करेंगे? फर्नीचर. ठीक है. और ये वाला पार्ट कौन सा है? सेकंड पार्ट है ना, यही एरर है आपका और यही आपका आंसर है. ठीक है, इस पार्ट में ही एरर है और यही आपका आंसर है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग. इसमें तो कोई परेशानी नहीं है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन. यस, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन. चलो देखते हैं. ऑल हिज फैमिली मेंबर्स, एज आई बीन सेड, आर लवर्स ऑफ डांस एंड म्यूजिक. ओहो, अगेन स्लैंग्स. कहां पे समझ आ रहा है? हम लोग अपने भूलचाल की भाषा में अक्सर यही यूज करते हैं, फैमिली मेंबर्स, है ना. एग्जैक्टली ये स्लैंग है. ठीक है बच्चे, ये स्लैंग है. और इसकी जगह पे क्या यूज करेंगे? इसकी जगह पे हम लोग जो यूज करेंगे, जो फॉर्मल राइटिंग में, फॉर्मल स्पीकिंग में यूज हम लोग करते हैं, तो यूज करते हैं व्हाट? अब यहां द नहीं, इसकी जगह पे यहां पे क्या हो जाएगा? मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली. क्या होगा? मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली. ठीक है, तो यहां पे ये स्लैंग की तरह यूज किया हुआ है. यहां पे स्लैंग यूज नहीं करेंगे. यहां पे हम लोग जो यूज करेंगे वो फॉर्मल, जो फॉर्मल वे है, फॉर्मल वे ऑफ राइटिंग दिस वर्ड, हम लोग यहां लिखेंगे मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली. ठीक है, एंड दिस विल बी द करेक्ट एक्सप्रेशन. ठीक है, और ये सही है. मतलब ये आपका जो फर्स्ट पार्ट है, इसमें एरर है और यही आपका आंसर है. ठीक है, तो अभी आपने देखा, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया किसको? नाउन के आपके क्लास असाइनमेंट्स को. ठीक है, आगे जो फिर डिस्कस करेंगे हम लोग. बट या मेरी तरफ से एक छोटा सा रिक्वेस्ट समझ लो, सजेशन समझ लो, जो भी चीजें आप लोग पढ़ रहे हैं ना, उसको उसकी टोटालिटी में इतने अच्छे से पढ़ लें कि फिर कोई एरर की गुंजाइश ना रह जाए. ठीक है, यहाँ पे जो आप लोग कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? यहाँ पे जो आप लोग कर रहे हैं वो जो असाइनमेंट्स कर रहे हैं वो प्रैक्टिस ही तो कर रहे हैं ना. तो इतना प्रैक्टिस करो, इतना थोरो प्रैक्टिस करो कि उसमें मास्टर होते चले जाओ. ठीक है, कोशिश करिए और खूब अच्छा कीजिए. ठीक है, माई बेस्ट विशेस, ऑल द गुड विशेस फॉर यू. ठीक है, चलो फिर साइनिंग ऑफ, अभी विदा लेते हैं हम लोग. फिर मिलते हैं हम लोग दूसरे असाइनमेंट्स के साथ. ठीक है, चलो बाय देन. गुड डे टू यू ऑल. एंजॉय योर स्टडीज. बाय.